18 साल से कम उम्र के बच्चे इस वीडियो को ना देखें। अगर थोड़ा और जीना चाहते हो तो मम्मी पापा के सामने तो बिल्कुल मत देखना। इसीलिए इनका लाइसेंस नहीं बना सकते। गलत ना मार। भाई GTA 5 बोली थी, क्या क्या दिखा रहे हैं ये? कुछ दिन पहले तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यूज करता हूं अपनी मसल रिकवरी के लिए फ्यूल वन का वेमैक्स प्रोटीन, जिसमें पर स्कूप में 27 ग्राम प्रोटीन है जो आपकी मसल को अच्छे से रिकवर कर देगा। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप मेरा कोड यूज कर सकते हो सिर्फ F1, और वो डाल के आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाके परचेज कर लेना। इस पे मैं ट्रस्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि ये सर्टिफाइड और वेरीफाइड है, लैब टेस्ट के लिए प्योर है। तो जाके परचेज करना। बाकी मिलते हैं वर्कआउट के बाद, इसको मैं पीऊंगा। तो आगे मिलते हैं वीडियो में। सो जय श्री राम सभी को। भाई कुछ भी हो जाए जिम नहीं छोड़नी। तो भाई अभी हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं। तो भाई देखो ये फैंटा है, और फैंटा हमने सबने पिए भी, और अभी कुरकुरे और चिप्स खाए हैं बड़ी एकदम। इन्होंने भी और भाई देखो किसी पे फ्री फायर की आईडी हो ना मेरे को दे दो यार। प्रांशु राघव करके इंस्टाग्राम पे होगी, सेंड कर देना प्लीज यार। अपने दोस्त का नाम मत बताना ठीक है, पर उसके एक घिनौना काम बता दो, जो घिनौना काम हो सब बता दो। मैं क्या बताऊँ, मेरा जो दोस्त है ना वो दोस्त भी है और दोस्त नहीं भी है। अच्छा मेरे से बात कर ठीक है। तो मतलब पता है क्या सिस्टम है उसका? उसका सिस्टम थोड़ा भाई देखो मैं क्या बताऊँ, अब हमारा देखो यूट्यूब चैनल तो पता है कैसे किया, थोड़ा नीचे रहता। थोड़ा समझ रहे हो ना कि हमारा तो चैनल वैसा कि कोई गलत हरकत नहीं बता रहे भाई। मैं नाम नहीं बताऊंगा उस लड़के का। हाँ। वो पता है कैसा है, वो हर लड़के से चेता है, वो हर लड़के से नाम पता चल गया मुझे, ऐसी पता चल गया वो सबसे जेब है, मेरे से भी जेब है वो। शनि बाजार पे राधे कृष्ण की वो थी ताकी, पीछे गली में लड़कों से गंदे गंदे हरकते करने लग रहा है। अरे भाई मुझे पता है तू कौन कह रहा है, तू किसकी बात कर रहा है, सबको पता है, पूरे विजय भाई जानता उसे। मिट्टू आ गया क्या? कोई और है? अरे वास हुआ है भाई, मास्क लगा के। अच्छा फिर हट जा जी भाई ने। अबे ओए खत्म, तू बताइए ब्रो किसी दोस्त की ऐसी कोई गिनी नहीं हुआ नहीं। मैं कह रहा हूँ भाई उसे ना, उसे दोस्त बोलने में भी घिन आती है, घिनौना क्या होगा अब बताओ। तू बताइए क्या भाई, अपने दोस्त की घिनौनी बात। शिवम भैया की एक घिनौनी बात बताता हूँ तेरी, ऐसी की तैसी मैं भी बिलाता के तुझे। जमाने बड़ा मजा, झूठ बोल रहा है क्या मेरे, क्या दे प्रांत को मेरी ये घिनौनी बात पता है क्या है? मर जाऊंगा अबे भाई, अबे भाई मैं नहीं बता रहा हूँ, यही घिनौनी बात थी भाई, भाई ने बता दी इन्होंने बात, वो बंदे को सब जानते भाई विजय घर में, जिसकी तू बता रहा है ना। अरविंद मेरा नहीं, नाम मत बता अरविंद मेरा। अरे मेरे का बता, ब्लॉग को क्यों बता रहे हो? मैं तो जेंटलमैन हूं भाई। तो ना भाई ना भाई, हमने बता रहा नाम, मुझे बता दो क्या पास से मेरी थोड़ी मदद हो जाए। अरे दीपांशु भी जानता उसे ना, छोड़े ना छोड़े ना माने। एक बात बताओ तुम्हें, एक बात बताओ, दो बात बोलो। इन्होंने क्या बताया जब उसको दोस्त बोलने में घिनाती है? हाँ भाई, हाँ भाई। भाई अगला बंदा मुझे घर बुला रहा था अपने, सोच मेरे साथ क्या करना चाह रहा होगा वो, वैसे घर नहीं गया भाई। क्या करना चाह रहा अगला बंदा, मैसेज करके फोन नंबर लेके। भाई मैं तो चला गया था, मैं नहीं जाऊंगा उसके घर भाई, मेरे को पता है यूं कह रहा है हुक्का पिएंगे। मैंने कहा मैंने तो हुक्का पीता, तेरा हुक्का पी जाएगा भाई वो। पता था मुझे, क्या करेगा तेरा कॉल, तेरा सारा कॉल ले गया। भाई आया सोफे पे साथ में बैठा भाई, वो तो ऐसे ऐसे करने लग गया, दिया साढ़े के उल्टे आकर एक्टा। मैं कहा मेरे से दूर रही है, हरकत नहीं चाहिए बिलम नहीं, टोचन करा दूंगा। मैंने कहा सुन मेरी बात, मैंने कहा भाई सुनो, मैंने कहा एक बात बताऊं भाई, मैं ना अभी तक अपनी होने वाली बीवी के लिए बस जीनू, तेरे को देख के अपना सिस्टम खराब थोड़ी करूंगा भाई मैं। आओ बताई भाई, घर भाग के कोई ना, प्रियांशु तेरी हेल्प कर देगा। हाँ भाई नहीं, इस उससे साफ सुथरा तो यही है, उससे साफ सुथरा तो यही है। तो ये तेरे बच्चे करेगा ठीक है, कर देगा ना वंश के बच्चे, कर देगा अब बता वंश से। मैं नहीं करने लेनी है ना एक दूसरे की लेन देन है, बज्जी बज्जी नहीं लेंगे, बज्जी बज्जी भाई। कभी तू कभी मैं ऐसे ऐसे ठीक है, ऐसे चलता रहता है। जब भी तो तुम्हारी एक स्टोरी बनेगी अलग से, हम आपके हैं कौन 15-16 साल का, इसकी बात है। गेम खेलने दो, एक जगह गेम खेलेंगे, ये डाल मत देना। क्या मत डाल देना, बांधो सब देखते भाई, तो देख पता पड़ेगी तेरी असलियत भाई। अपना थंबनेल तैयार कर रहा हूँ इस वक्त फिलहाल, बढ़िया एकदम, देखते हैं बताना कैसा लग रहा है थंबनेल। अभी हम सीख रहे हैं भाई, पूरा प्रॉपर ही बढ़िया से, मुझे आता नहीं कैसे बनाते थंबनेल, पर धीरे धीरे सीख जाएंगे कोई ना। तो भाई अभी मैं बैठा था थोड़ी देर कहीं दोनों के साथ, और अब हम जा रहे हैं वंश के यहाँ यानी इस शख्स के यहाँ गेम खेलने, क्योंकि इसके यहाँ PC है और GTA 5 है इसके पास। क्या और अपना भाईचारा मिल गया आज भाई, भाई अपन तो भाई है। तू टकला कैसे हो गया भाई, अभी तो थोड़ी देर पहले सही था तू, नाइट चारा है भाई। अरे भाई मैं टकला हो गया अभी, तेरी बक्की बक्की में दूंगा मैं।
दूंगा। दे मेरे देगा तू? स्मार्ट वॉच है मेरे पास, तेरे स्मार्ट फोन का। क्या स्मार्ट बॉय है इसके पास? तुम्हारी फटी पोस्ट है। अब जा चले। हाँ चलो चलो चले चले चलो चलो। पैसा कौन देगा? किस चीज के? ये क्या रख रखा है? ये क्या रख रखा है? ये क्या है? हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा है, बॉर्डर है तेरा ये। अबे तोड़ के जाएंगे तो हमने तोड़ दिया। पहली बार पकड़ा है ना मैंने। लात मार के चले गए तेरे। ऐसी लोग बदन आए। तोड़ूंगा तेरे को, सोच रहा हो? टोचन कर दूंगा तेरे को, तेरी वक्की में मैं दूंगा। क्या टू का टेबल सुनियो? गिनती सुना? ABCD सुना? ओए चला जा। अपन तो भाईचारा है ना। डंडा ले लिया उसने, अब तू क्या कर ले उसका? आजा साला। तो मेरा तो भाई है ना तू? हाथ मिला। ये शेर शेर बोल दे। ओए बैठ के मार रहा है। पड़ी ना मेरे? नहीं पड़ेगी, सोच रहा हूँ तू। तो भाई भी वंश के घर आ गए और ये अपनी जिम है ऊपर। यहाँ पे हम पहले जिम करते थे। और वंश को ही पता है, वंश के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो बहुत वायरल गई थी। तो भाई वंश ने काफी टाइम पहले कहा था, हम समझी तो एक साल पहले, कि भाई भैया आपको मैं अपना PC दिखाऊंगा। ये भाई इसका एक साल पहले गई थी जिम में गई थी इसने मेरे से। तो भाई ये इसके PC सेटअप है जिसमें गेम खेलता है। देखो गेमिंग सेटअप पूरा। खोखली कैसे है? खोखली कैसे है? दारू पियो भाई। ये का पिला रहा तू मुझे? बॉम्बे से भाई लंदन ड्राई गिन। क्या है ये? पानी है क्या? है दारू बोतल में पानी है? और भाई क्या है इसके घरों में? तो भाई इन गुरुजी को मानते हैं। अब यहाँ पे हम खेल खेलेंगे GTA। और भाई का देखो प्यारा सा मंदिर का सेटअप एकदम बढ़िया। जय श्री राम, हर महादेव। और ये हुक्का भाई का। ओए हुक्का पिला रहा किस दिन भाई? जब मर्जी पिला। अभी नहीं पीना। मैं आपका पीता नहीं हूँ। वो भाई मोटिवेशन देख लो इसकी। पूरी मोटिवेशन ले रहा है बंदा सामने बैठे बैठे। PC को भी गेम खेल दो, मोटिवेशन ले रहा। देख ले तू और क्या चाहिए। इफ वांट टू फ्लाई यू हैव टू गिव अप थिंग्स। रहने दे तू, थोड़ा पढ़ लेता ना। तो भाई चूतड़ अच्छे से पढ़ के बताया। क्या चूतड़ लिखा हुआ? अच्छे से पढ़ा। थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लेता सही रहता। पढ़े ज्यादा से इस पे लिखा हुआ है थोड़ी। अगर तुमको हवा में उड़ना है, मतलब ऊंचाइयों में उड़ना है, हवा में उड़ना है, थोड़ा वजन कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, यही ना मतलब है भाई। GTA 5 बोली थी। क्या क्या दिखा रहे हैं ये गंदे लोग? बदतमीज, नॉनसेंस। What are you doing? चीज़ नहीं है, ये रिमोट है। वो तो ठीक है, ये अच्छा। अब तो बंदा अच्छा आ गया भाई, थोड़ा कैड़ा सा लग रहा है बंदा। ये ड्राइवर है। क्या नाम है? ट्रेवर। अरे मैंने उसकी भी देखे हैं, टेक्नो गेमर की वीडियो में। पहले देखता था बहुत पहले, काफी साल पहले। अब तो नहीं देखता, टाइम नहीं मिलता। अपने चैनल से फोकस नहीं हुआ, वो अपने चैनल से ध्यान नहीं हटना। काम इतने पड़े हैं। पेन है भाई। माउस देख लो भाई, कैसा होता है माउस गेमिंग वाला। पहली बार छुआ मैंने, क्योंकि प्यार लग रहा है भाई। लड़कियाँ क्यों आ रही इतनी ज्यादा गंदी गंदी? नंगे पन्ना मचा रहा था, नंगे पन्ना छुपा दी भाई ने। भाई नशे चढ़ चुके हैं भाई। तुम्हारा भाई गाड़ी चला रहा है, देखो नशे में चला रहा है। इसलिए इनका लाइसेंस आज तक नहीं बन पाया। इसीलिए इनका लाइसेंस नहीं बना आज तक। देखो इसलिए इनका लाइसेंस नहीं बना और ना बनना चाहिए। तो भाई अपना यहाँ पे मकसद है इसमें भी, वो मकसद पूरा करना है। देखो भाई तुम्हारा भाई बंदे मारेगा अब यहाँ। मारू किसको? मारू बताओ। अब ये सब PC ये मारू गाड़ी वाले को। ये धर 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 बीमन जी लगो बीमन जी। बस यार एक बात बता, इतनी क्वालिटी बेकार भी नहीं आ रही, सही आ रही है ना? अबे सही यार, ये सही में आंखों में चिप जाती है, बहुत चुभती है। अंधेरे में तब तो खेलता हुआ मर गया होगा बंदा। वो चलिए चलिए कुछ देख के आया गाड़ी के अंदर, मर गया होगा। देखे वे बाहर निकल, इसको बाहर निकाल के और गोली मारूंगा। फिर बाहर निकल फिर से बाहर निकल मारूंगा इसे गोली। और फोन में तो और भी सही आ रही है। इसके मुंह पे मारो, यहाँ मारो यहाँ। अरे छोड़ कर, धड़ 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 छोड़ कर, छोड़ कर देखो। मत दिमाग ये भाई, अब दबाया, अब दबाया, छोड़ छोड़ छोड़। बाहर निकल जा भाई, बाहर निकल के देखो। अबे यार क्यों मार रहा है मेरे बंदे को? मतलब तेरे बंदे, इनका बंदा है भाई, तेरे बंदे को। गाड़ी उड़ा दी, वे क्या कर दिया? मर गया साला भाई। तो डेंजरस बंदा है भाई, इसे बॉर्डर भेजो पाकिस्तान के। उठो इधर आओ। तो भाई प्रियांशु गाड़ी चला रहा था और गाड़ी की पत्ती का गाड़ी प्रियांशु ने खिलाड़ी प्लेयर है,
छुटकी गाड़ी जंगल, ओ जंगल चल, जंगल चल अपने ओए घर चल भाई, गरीब बंदा है तू, अभी मना करते नहीं भाई, अगर खरीदनी हो तो कहाँ से मिलेगी वैसे? कहाँ से क्या? घर वाले से बोलिए तोड़ेंगे चेहरे तेरी, वो तेरे को देख लेंगे। मैं बता दूंगा जिस जो हमारे मतलब सब्सक्राइबर है उसको अगर गेम डाउनलोड करने तो कहाँ से करे फ्री में? 15 साल से देख ही रहे हैं घर वाले मेरे। भाई देखो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, अपने रिस्क पे करना, अगर करनी है तो अगर गेम डाउनलोड करनी है तो ओशन गेम्स पर डाउनलोड कर सकते हैं जाकर कंप्यूटर पे। मुझे नहीं पता क्या बता रहा है, देखना है कैसा गेम, रिकमेंड नहीं है ठीक है, किसी को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपने रिस्क पे करना। तूने कहाँ से करी है? ओशन गेम्स रिस्क पे करा दूंगा उन्हें, मैंने तो अपने रिस्क पे करा ना। अब भाई मैं जब कह रहा हूँ अपने रिस्क पे करना, हमारी कोई इसमें वो नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कोई सी भी गेम डाउनलोड हो सकती है वैसे, कोई सी भी देख लो भाई जो भाई गेम खेलते और उसी पे जा, मैं बदल कि इसमें कुछ भी तो भाई गेम में तो खेल लिया, अभी हमें काम धंधा भी है भाई, ये तो वेला बंदा है, वेला पर्सन जिंदगी से खा ली है भाई, ये इसको तो गेम दे दो खेल लेगा, ये गेम दे दो बाहर का खाने को दे दो, ये वही है लोगों से। जा रहा हूँ भाई अपना काम है, पीनट बटर भी लाना और बहुत कुछ है, जिम भी जाना रात को, संडे ना तो खाली नहीं जाना कहीं भी, बाकी वीडियो तो डाल दो। तो भाई बहुत पहले खेला था साइबर कैफे में गेम ही ऐसे GTA और GTA 5 खेली भाई के, आज बहुत बढ़िया लगा मुझे, पर इतना भी मतलब वो नहीं रहा शौक गेम का, उतना डोपामिन उछल नहीं पाया जितना जिम में उछल जाता मेरा, उनको तो छोटी छोटी चीज चाहिए, ये इनमें खुश है, घर तो ये इसी लायक है, पेल तू इसे, चल ठीक है भाई, राम राम। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी आ गए हम अखाड़ा और अगला दिन है ये, ठीक है, और फिलहाल देख सकते हो लेग की कंडीशन क्या है। आज मैं थोड़े से बैठक मारूंगा और थोड़े से डंड और थोड़े से सपाटे, और मैं नया लंगोट लेके आया था अभी कुछ दिन पहले, यहाँ लंगोट आपको स्पोर्ट्स की दुकान पे मिल जाएगा अच्छा खासा बढ़िया सा, हमें फटाफट से नहा धो के लंगोट पहनता हूँ। तो भाई अभी मैं मार रहा हूँ सिर्फ बैठक, ऐसी बैठक है ये मार रहा हूँ अभी, और ये मार के चलते घर। तो भाई अभी गर्मी में अखाड़े से आए हैं, और अखाड़े में मैंने लंगोट पहना था, तो जब मैंने एक अच्छा धो के सुखाया था, कुल 10 से 15 मिनट मैंने सुखाया होगा, उससे उतने में ये पूरा सूख गया एकदम, गीला नहीं बिल्कुल भी। और अभी मैं आया हूँ यहाँ पे भैया के पास, यहाँ पे माते रहते हैं वैसे, जब भी अखाड़े से वापस आते हैं घर की साइड, तो यहाँ पे आते हुए ये पी लेते हैं लिमका, ये जो भी पी लेते हैं, इसमें ठंडा मस्त लगता है, गैस भी बढ़िया रहती है इसके अंदर, जितने की बोतल आती 20 रुपये की, इतने में तो 10 रुपये का ये गिलास आता है बढ़िया वाला। तो भाई यहाँ बुध विहार में आके भैया से पी सकते हो तुम, भैया 60,000 लोग देख रहे हैं आपको इस वक्त, एड्रेस बता दो एक बार अपना, मजाक नहीं कर रहा मैं इस वक्त, यही रहता हूँ सामने, सामने नहीं रहते, ये जगह का एड्रेस बता दो, ये दुकान का एड्रेस बता दो, दुकान का एड्रेस, यहाँ का एड्रेस, अंकल सोचते हैं चूकड़ है, चूकड़ है, रोज आ जाते हैं वीडियो बनाते हुए, नहीं भैया 60,000 लोग देखते हैं, रोजी रोटी हमारी है, नमक डाल के पियो, ये दिखाओ, ये फार्मूला दिखाओ, ये फार्मूला उसको उठाओ आप, ये पीजिए, ये कोई रोक नहीं सकता, अब देखो भाई झटके से ये स्पेशल है, जिसकी ज्यादा ऊंची नहीं आई, गर्मी का सबसे बढ़िया है तोहफा भाई, तोहफा ये मजा है इस चीज का भाई अलग ही, पहले स्कूल जाता था जब पीता था ये, अब यहाँ पीता हूँ जब अखाड़ा आता हूँ। तो भाई अपने अपने घरों में तारों को सेट करके रखे करो अच्छे से, आज हमें भी एक बात पता पड़ी, तुम्हारा भाई आज बच गया, शायद जा भी सकता था, यहाँ पे आया था, यहाँ पे खड़ा हुआ था गेट से, यहाँ घुसते ही यहाँ खड़ा हुआ, और यहाँ पे अपने कपड़े उतारा था पहली बार ऐसे, ठीक है, और ये नंगा तार है, इस पे हाथ लग गया मेरा, पूरे बैठ गया, मैं यहीं बैठ गया था पूरा भी, और ये हाथ दर्द हो रहा है, ये वाला हाथ दर्द हो रहा है, ये उंगली यहाँ से हल्की फुल्की जल भी गई है, दिख रही है कि पहले था नहीं ऐसा कुछ, हल्की फुल्की जल भी रही है, हालत खराब हो गई थी बिल्कुल। तो अपने घरों में ऐसे जो तार है ना कहीं भी पड़े हुए, इनको देख लेना एक बार और उनको सेट करवा लेना, फिर किसी दिन खुद ही सेट हो जाओ, वो तो सही है, आज छोटी सी कुछ हुआ, छोटा ही हुआ है जो हुआ है, तो बस गया, और इस कपड़े पे मेरा एक पैर था, वो तो जब हल्का फुल्का हो गया, वरना पता नहीं क्या ही होता, नंगे पैर तो मैं, और किसी दिन मम्मी यहाँ कपड़े धो रही हूँ मशीन में, पानी यहाँ फर्श पे पड़ा रहता है, मम्मी वहाँ बैठी हूँ, ये तार आके नीचे यहाँ गिर जाए, इस पे मशीन पे लग जाए, पानी से कॉन्टेक्ट कितना गंदा जाएगा करंट का, कुछ भी हो सकता है। तो भाई इन चीजों को ध्यान रखे करो अपने घरों में, हमारे घर में नहीं दी थी इस बात का ध्यान, आज ही पता पड़ा कि ये तार ऐसे खुला पड़ा है, बच गया तुम्हारा भाई, आज बचने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, वरना बस कहीं तो वीडियो सेट ही बनाते, ये दो जने जो चिल्लाना बताएंगे ये दोनों, ऐसे ओए ओए चैनल मेरा हो जाता।
प्रॉपर्टी में चैनल तेरा होया था भैया इसका डेट निपटा देते मेरी अरे नहीं वो प्रॉपर्टी कम हो जाता तुझे नहीं मिलना था वो नहीं कह रहा एक हिस्सा अपना अपना नाम लगा रही है क्या कह रही है एक हिस्सा कम हो जाता एक ही रहेगा फिर अभी ये जिंदा बच गया नंगे था नहीं ब्लॉग का कंटेंट अगर ये मर जाता तो भैया हमारा नहीं ब्लॉग का खतरनाक वाला करंट लगा था सेकंड में सब खत्म हो जाएगा किसी दिन ऐसे ही इसलिए बोलते हैं जो है ना आज के टाइम में जी लो आज ही कर लो जो करना है कल हो ना हो कुछ पता नहीं। तो भाई अभी खाना खा रहा हूँ मैं और बढ़िया इसमें मैंने दही कर रखी है और आज जो दाल चावल खा रहा हूँ और गाइस अभी कम से कम नहीं तो 6 दिन पहले मेरे नाना भी गुजर गए थे तो उनकी 13वीं भी है उस टाइम बाद 15 तारीख को है 13वीं उनकी क्योंकि उनकी एज भी बहुत हो चुकी थी वो 80 साल करीब तक के पहुंच गए थे। तो गाइस अभी मैं प्रियांशु के आ गया हूँ और गाड़ी कितनी प्यारी है इस गाड़ी के बारे में एक बहुत बड़ी कहानी है इस लड़के को देख लो पहले बता क्या कहना तेरा नाम क्या है बता कुन्नू और तुझे अभी क्या लग रहा है गाड़ी किसकी है मेरी तेरी गाड़ी कैसे है मेरी गाड़ी है ये मेरी है ये मेरे पापा ने बचपन में गिफ्ट दी थी मुझे जब मैं दो साल का था ये पैदा हुए थे ये गाड़ी पे बैठ के करने का जब मैं जब पता है सुन ओए जब मैं पैदा हुआ था ना मेरे पापा मुझे इसी गाड़ी पे बैठा के लाए थे। हाँ क्या समझ रहा है हॉस्पिटल से सीधा इस गाड़ी में बैठ गए थे नंगे ही। तेरी गाड़ी नहीं है हमारी गाड़ी है हमारी नहीं मेरी मस्त लग रही है ना देखो। तो गाइस इस गाड़ी की कहानी है ये गाड़ी नॉर्मल गाड़ी थी 50 रुपए की ठीक है और खराब सी आई थी इसमें कोई मोटर नहीं थी ना कुछ था रिमोट भी बाहर से कबाड़ी वाले कहाँ से लाया है ये गाड़ी देख रहे हो क्या कैडी गाड़ी है चलिए लाइट भी लगा दी आगे देखो पुलिस वाली इसमें इसने एक स्टीयरिंग लगा दिया ये स्टीयरिंग बाहर से लगाया है ये जो पीले रंग का है ठीक है इसके अंदर जो लाइटें हैं ये भी इसने बाहर से लगाई है ये टायर है ये भी बाहर से लगाया है और ये पीछे बैटरी है ये